नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबे न्यूज। जिज्ञासा कोचिंग इटखोरी अंतर्गत संचालित जिज्ञासा डिफेंस में आर्मी एवं राज्य जिला पुलिस की तैयारी पूर्व से कराई जा रही थी, परंतु कोविड 19 के कारण क्लासेस स्थगित करा दी गई थी, पुनः 5 जनवरी 2022 से प्रारंभ कर दी गई है। अगर आप भी इच्छा फौज में जाने की है तो जिज्ञासा डिफेंस इटखोरी ज्वाइन कर सकते हैं। डिफेंस फिजिकल की तैयारी जिज्ञासा कोचिंग के छात्र रह चुके कमांडर विवेक कुमार सिंह के द्वारा कराई जा रही है। संस्थान से लगभग 145 छात्र फौज में जा चुके हैं। प्रथम अग्निवीर बनने वाले युवकों के लिए जिज्ञासा डिफेंस इटखोरी 75% कम फीस के साथ क्लासेस करवा रही है। अभी मात्र आप 3500 में फिजिकल व रिटर्न की कक्षाएँ कर सकते हैं। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और जानिए जिज्ञासा कोचिंग सेंटर के बारे में। बने रहिए न्यूज़ में अंत तक, धन्यवाद। जिज्ञासा कोचिंग जयप्रकाश नगर धुना के निकट जो विधिवत 2004 से संचालित है और प्रारंभ से ही यह कोचिंग जो है अपने क्षेत्र में 100% रिजल्ट घोषित कर रहा है, परिणाम ला रहा है। और 2004 से ही यहाँ दो क्षेत्रों में, एक तो जो डिग्री कोर्स का है पढ़ाई, चाहे वो 9, 10, 11, 12 साइंस कॉमर्स आर्ट्स की कक्षाएं हो, वो विधिवत चल रहा है। वहीं दूसरी ओर डिफेंस की कक्षाएं, जिसमें से एसएससी और एसएससी के तहत जो भी एग्जाम हो रहा है, आप इसको बोल सकते हैं बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, इस तरह की जो भी है वो एग्जाम की भी पूर्ण रूप से तैयारी यहाँ हो रही है। और 2004 से लेकर के अभी तक विधिवत संचालित है और इससे विद्यार्थी लाभान्वित भी हो रहे हैं, रिजल्ट भी 100% है। अभी तक 2004 से लेकर के अभी तक देखा जाए तो हमारे यहाँ लगभग 165-170 विद्यार्थी जो हैं अपने विभिन्न सेवा विभाग में, इसको जैसे सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी, कमांडो, ये सब में चयनित हैं और देश सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं, समय दे रहे हैं। और पिछले 2 वर्षों से ये कोरोना काल के दौरान अपना जो भी समय रहा वो पीछे चला गया और अभी फिलहाल फिर से ये कोरोना काल जब स्थिर हुआ, रुका, तो उसके बाद यहाँ विधिवत फिर से ये कक्षाएं संचालित है। और वर्तमान में अभी अग्निपथ योजना के तहत जो सरकार के द्वारा लाई गई है, उस योजना के तहत कोचिंग में बच्चों को बतलाया जा रहा है, उसकी तैयारी कराई जा रही है। और कुछ बच्चे अपने पथ से भटक रहे थे, उनको लग रहा था कि अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना जो 4 साल के लिए है, तो कहीं ना कहीं हम लोग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है या जो कुछ भी ऐसा लगता था। लेकिन वो बच्चे जब कोचिंग में आए, उनको जब समझाया गया, बताया गया, तो वो सारे बच्चे जागरूक हुए और पूरे जुनून के साथ फिर से विधिवत वो लगे हुए हैं। और जो बच्चे का एज भी क्रॉस कर गया था, तो उसके लिए अग्निपथ योजना के तहत जो कोरोना काल का समय गया, उसमें 2 साल का समय भी इनको दिया गया कि 2 साल का समय अगर आपको गया है तो 2 साल आपको और एक्स्ट्रा समय मिलेगा। इसको ऐसे कहा जाए कि अगर ये आर्मी में जाने के लिए 21 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है, तो सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत इसको 23 वर्ष तक कर दिया कि जिन बच्चों का उम्र 23 वर्ष है वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। और जहाँ तक आप हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप इसे देख रहे हैं, अब इससे जुड़े और जो भी युवा नौजवान साथी हैं वो अग्निपथ योजना की तैयारी करें और अधिक से अधिक लाभान्वित हो। धन्यवाद। हाँ, तो अभी क्या हुआ कि जैसे पहले जैसे तुम लोग अभी तक पढ़ने के लिए आया, तो अभी जिज्ञासा डिफेंस जो पहले जिज्ञासा कोचिंग होता था, जिज्ञासा डिफेंस अभी इसीलिए खुल गया क्योंकि हमारे इलाके में क्या था, अभी डिफेंस का सिस्टम है नहीं कोई प्लेटफॉर्म में, तो जैसे हम हुए थे वैसे एकदम बिल्कुल इंडिपेंडेंट उस तरह से नौकरी लेना बहुत लोगों को क्या होता है, डिमोरलाइज हो जाता है। फिर दौड़ने के लिए गया, जॉब नहीं हुआ, अगर दौड़ में छटके आ गया जैसे भी हुआ छोड़ दिया, अगली बार के नहीं करेंगे। अगर एक ग्रुप मिलता, अगर ये गया तो अगली बार हो सकता है ये 2-3 और जाएंगे,
होता ना ऐसे ग्रुप में, छह क्लास में भी होता है, एक को लीडर बना दो तो पूरे का जलने लगेगा। अब ये लीडर बन गया अभी, तो सब कोशिश करेगा सर एक डाउन करो और इसको ये बनाओ, लीडर बनाओ, हम भी लीडर बनते हैं, ऐसा सोचता है कोई को, हम लीडर बनेंगे, हम लीडर बनेंगे, कॉम्पिटिशन में होता है। इसीलिए हम लोग क्या करना, यहीं से कट जाएगा करना। तो पहले जिज्ञासा पढ़ते थे 2015 से लगभग 17 तक जिज्ञासा में चला था, सॉरी 14 से 17 तक जिज्ञासा में चला था। जिज्ञासा में उस टाइम रिटर्न के तैयार होता था, फिजिकल उस टाइम होता नहीं था। तो उस टाइम रिटर्न की तैयारी करने के बाद उस टाइम ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया, मेरा एमए भी हो गया, और तब रिटर्न भर्ती होने के बाद आर्मी में भर्ती हुए थे। उसके पहले सहायक पुलिस में थे, तो सहायक पुलिस के बाद जब आर्मी ज्वाइन किए तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी था कि वहां से आप पैरा ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी मैं पैरा ट्रूपर हूँ। पैरा ट्रूपर होने के बाद जब मैं घर आने पता चला इधर प्लेटफॉर्म जब जैसा था वैसा ही है, तो अभी चेंज करने का डिसीजन लिया गया। तो अभी जिज्ञासा कोचिंग को जिज्ञासा डिफेंस अकेडमी बनाना है, बन गया ऑलरेडी। तो अभी आप लोग से यही कह रहा है कि जिसको जिसको सीखना है, अभी इटखोरी में एक नया प्लेटफॉर्म आ चुका है जिज्ञासा डिफेंस अकेडमी, आप उसमें आकर ज्वाइन कर सकते हो। फी एकदम बिल्कुल होगा मिनिमम आपके लेवल का, उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। फिजिकल का जिम्मेदारी मेरा है, मैं कराऊंगा आप लोग को फिजिकल जैसे फिट होना, ठीक है? किसी को दिक्कत है इसमें, पीटी में कोई खराबी, ग्राउंड आप लोग सेम टाइम पे आओगे, पीटी आप लोग का सही होगा, टेंशन नहीं करो। ओल भारत माता की।